नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिवेदी। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। सीएम योगी आज बदायूं और शाहजहांपुर दौरे पर, 3 जनसभाओं को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को करेंगे कानपुर दौरा। मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को दिखाएंगे हरी झंडी, साथ ही जीका प्रभावित क्षेत्र का करेंगे दौरा। बदायूं में सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारें गौकशी और अवैध बूचड़खाने चलवाती थी और हमारी सरकार ने गौकशी और अवैध बूचड़खाने बंद करवाए। हमारी सरकार ने गौकशी बंद करवाकर गौ सेवा का कार्य शुरू किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इजलास में पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। मां शारदा अध्ययन कक्ष की लाइब्रेरी का करेंगे लोकार्पण। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। छठ के पावन पर्व पर सार्वजनिक छुट्टी के ऐलान के बाद सीएम योगी खुद इस पर्व में होंगे शामिल। अखिल भारतीय समाज की तरफ से लक्ष्मण मेला पार्क में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल शाम 4 बजे व्रती महिलाओं के बीच भी होंगे शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा, समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देगी। 16 लाख से ज्यादा काटे गए नामों का ब्यौरा नहीं दिया जा रहा। प्रदेश के अफसरों को आयोग में जानबूझकर किया जा रहा है तैनात। चुनाव आयोग के काम पर भी उठ रहा बड़ा सवाल। कन्नौज के MLC पम्मी जैन ने समाजवादी पार्टी इत्र का किया लोकार्पण। इसमें 22 प्राकृतिक इत्रों का इस्तेमाल किया गया। पम्मी जैन ने कहा कि जब लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें इसमें समाजवादी पार्टी की खुशबू आएगी। समाजवादी इत्र 2022 में नफरत को करेगी खत्म। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री बोले, कानपुर कन्नौज के अलावा प्रदेश में और किसी भी जिले में जीका का मरीज नहीं। ताजमहल पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण, देश में सबसे प्रदूषित शहर रहा आगरा, दूसरे नंबर पर तीर्थ नगरी वृंदावन। यूपी के अमरोहा में जुआ हारने पर बौखलाया सपा नेता का भतीजा, सड़क किनारे खड़ी बाइक में लगा दी आग। घटना CCTV कैमरे में हुई कैद, पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया। लखनऊ में प्रदूषण से गिरा पारा, मंगलवार सुबह कई इलाकों में हुआ थोड़ा सुधार। चुनावी माहौल के बीच प्रयागराज में भाजपा नेता, जिला किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष नेता अजय शर्मा को बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। जनपद के SRN अस्पताल में चल रहा इलाज। ऐसी ही तमाम खास खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।